खबर देवास से है, जहां शहर के जवाहर नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 22 से सुनीता शंकर भोले को भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने से स्थानीय वार्डवासियों एवं मतदाताओं में उत्साह हर्ष व्याप्त है। वार्डवासियों ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि सुनीता शंकर भोले का परिवार वार्ड में करीब 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। सामाजिक धार्मिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाते रहते हैं। भोले एवं उनके पति शंकर भोले ने चर्चा में बताया कि विधायक गायत्री राजे पवार ने वार्ड 22 से उम्मीदवार बनाकर जो भरोसा हम पर जताया है, उसको लेकर हम विकास के कार्य एवं लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उस पर खरा उतरेंगे। वो तो पूरी 101% खरे उतरेंगे। हमारी तरफ से तो बिल्कुल उनके सपोर्ट में है, हम लोग पूरी नारी शक्ति हमारी उनके साथ में है। और शुरू से आज मुझे 15-20 साल हो गए शादी को, तब से देख रही हूँ मैं कि हमेशा से सपोर्टिव ही रहे हैं सबके लिए। कितना जन समर्थन मिल रहा है वार्ड से अभी? पूर्ण रूप से समझ लीजिए आप, महिलाओं का तो पूरा रहेगा उनके लिए। मुद्दे तो है और मुद्दे पे खरे उतरेंगे, क्योंकि वो दोनों ही पति पत्नी बहुत ही सक्रिय राजनीति में है और सक्रिय कार्यकर्ता है बीजेपी के। और शंकर भोले जी पहले से ही वार्ड में सक्रिय है, उनको सब समस्याएं मालूम है, कहाँ समस्याएं कहाँ नहीं है, उन समस्याओं को जाकर स्थान पर जाकर निराकरण करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और वो खरे उतरेंगे। पार्टी की तरफ से टिकट मिला है, कितना उत्साह समर्थकों में? समर्थकों में पूरी तरह से उत्साह, भरपूर उत्साह है। और कार्यकर्ता एकदम दिल से लगा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर उनको जिताएंगे। और हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं आज यहाँ पर कि वो जीतेंगे और जीते हुए हैं। सबसे पहले तो संगठन का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, राजमाता जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, और पूरे देवास की जनता और जवाहर नगर की जनता का आभार मानता हूँ कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि हम इनकी सेवा करें। और हम समय समय पे कुछ समस्याओं का निराकरण करते हैं, इसीलिए भी हमको ये दायित्व दिया गया है राजमाता जी ने। सबसे पहले तो मैं भाजपा पार्टी का धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हाँ, कि मैं प्रत्याशी के रूप में मुझे चयनित कर किया है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच में मैं वर्तमान में जो भी समस्या आएगी उन मुद्दों को लेकर ही जाऊँगी, क्योंकि समस्याएँ हैं उनका निराकरण ही करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपके वार्ड की कितनी संख्या और मुख्य क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे वार्ड की संख्या 22 नंबर है, वार्ड क्रमांक 22 है। और मुख्य मुद्दा तो जैसे अब बारिश आ रही है तो कई लोगों का रहता है कि घर में पानी आ रहा है या तो ड्रेनेज ठीक नहीं है, स्वेरेज का काम हो गया है मगर कहीं कहीं अधूरा है, तो वह मेन मुद्दा रहेगा, पहला मेन मुद्दा रहेगा। हाँ, हमारे वार्ड में लगभग 6,281 जनसंख्या है।